अपनी गली में कुत्ते भी शेर होता है। और शेर जो है पूरी जंगल का रहता है। सर्वे नंबर 106-107 मुझसे नगर जो जूना डेपो था उस मेन रोड पे कांग्रेस पार्टी का जलसा रहेगा तो बराबर करेंगे ना, उनका गवर्नमेंट है पुलिस। कोई अगर हमारे बारे में बोलेगा जाके भाई इनकम टैक्स रेट गिरा तो गिराना चाहिए, छोड़ेगा तो मिलेगा ना, नहीं तो हम के का जब धंधा करते बिजनेस करते तो कुछ उसका हिट रखते कि नहीं। हम भी ऐसे बोलने को तो कुछ भी नहीं, तो वहां जानते रहती कि हफ्ते बोल लेता तो उनका बाटे बैठ गए तो हफ्ते बोले तो पूछे ना यार, बोलने को तो कोई पूछिए बोलता, हमारे धंधे नहीं है ना। वो रेती के हफ्ते बोल लेते ट्रैक्टर से 200 रुपया एक ट्रैक्टर का। अरे उन्होंने वो पूरी जो कॉलोनी बने ना उधर भी इच्छे कबार कर दिए, खोद दिए। कौन लोग है वो? उर्दू मराठी प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं मेरे परिवार की ओर से और राष्ट्रवादी कांग्रेस परिवार की ओर से सभी का इस्तेमाल करता। मेरे बुलाने के ऊपर आप लोग कम वक्तों के अंदर सभी लोग यहाँ कुछ भी लाए पत्रकार परिषद बड़े दिनों के बाद मैं ले रहा हूँ, महीने दो तीन महीने के बाद है ना। आज ये का मकसद सिर्फ इतना ही था, पिछले कई दिनों से और कई महीनों से एक बात अगर चर्चे में थी, मालदा सेवा की जो वैक नंबर क्या है वैक नंबर 153-157 माला हेमंत जगताप उनके कुटुंब की थी। उसके बाद में 8-10 महीना पहले हमारे मरहूम खलील भाई मराठी में बोले कैलाशवासी, उन्होंने और हमारे पवार साहब अजीत पवार इन्होंने मिलकर के उसको सौदा किए और हेमंत जगताप से सौदा करके। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं खलील भाई का पिछले 20 वर्षों से प्लॉटिंग का जमीन का कारोबार है। आपको यही बताएगा आज खलील भाई भले दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी मैं खुद मेरा छोटा भाई अकील शेख जलील और मैं खुद और मरहूम खलील भाई ऐसी एक कंपनी हमने बना ली है। उनका जो धंधा जारी था वो आज भी वो धंधा उनका हम लोगों ने जारी रखा है। और लोगों के अंदर शहरियों के अंदर एक बात की बड़ी ये सोच बनी हुई थी कि साले क्या होगा, जो इंसान ईमानदारी से सच्चे तरीके से कोई बिजनेस करता है तो अल्लाह ताला ऊपर वाला उसका साथ देता है। इसी तरीके से हेमंत जगताप और उनके कुटुंब ने उनके मूल मालक हुआ है, हाईकोर्ट में उन्होंने पिटीशन दाखिल किया था, वहां उन्होंने कई महीने चलने के बाद में उसका निकाल आया और हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट को ऑर्डर की थी, फिर एक 15 दिन लोअर कोर्ट के अंदर वो उसके ऊपर हेयरिंग हुई और वो हेमंत जगताप और उनके कुटुंबों को केस जीते
असल में कब्जा भी उनका ही था, मालक भी वही है। आज पुलिस को माननीय हाईकोर्ट निर्माण माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर पे आदेश पे मालेगांव लोअर कोर्ट ने आदेश दी थी तो पुलिस ने वहां पे संरक्षण दिया और वहां उसको साफ करवाया। यही काम पुलिस डिपार्टमेंट का आज का था। सुबह 11 बजे से पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन की पीआई पीएसआई दो महिला पुलिस और 8 पुलिसकर्मी ऐसे वहां मौजूद थे। खुद हेमंत जगताप जो है और उनके कुटुंब के दो लोग और वहां मैं खुद और मेरे साथ में अजीत पवार उनका एक छोटा भाई वो भी एडवोकेट है मालेगांव कोर्ट में, हम तीनों लोग वहां मौजूद थे। वहां से मैं पौने 5 बजे चला, वो जीसीबी 3 जीसीबी लगा के उसको पूरा पत्रे का शेड पक्का ये खुद जमीन मालक का बना हुआ था वो भी पूरा क्लियर कर दिए। आगे कंटिन्यू 4-5 दिन वो जमीन साफ होते रहेगी। अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते, माननीय मेहरबान कोर्ट का भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के ऊपर सभी का विश्वास है और बाकायदा सच हुआ और निकाल जो मुड़ मालक हेमंत जगताप जी के कुटुंब के फेवर में और साथ साथ में खलील भाई मरु और अजीत पवार जो इनका सौदा था इन लोगों को उसकी जीत ऊपर वाले ने दिया और आज उसकी सफाई वगैरह कर दी गई। अब मेरी आज की बात इतनी सी, अगर आप लोग को कुछ पूछना है ऐसा विषय पूछते हेमंत जगताप वालों से ज्यादा है ताबा हिंसा होगा कोर्ट में कौन गया था हेमंत जगताप गिर हेमंत जगताप गेले होते त्याच्यावर ताई मालेगावचे गुंड के सबके लोकांनी अतिक्रमण करून टाकला होता। तुम्हाला माहितच आहे ना ओके गुन्हे दाखल वगैरे झाले कोर्टच्या ऑर्डर मध्ये दिलेलं आहे सर्व एक कोर्टचा ऑर्डर कुठे आहे त्याची कॉपी एक मोठा अतिक्रमण करून टाकलं होतं तिथे त्यांचा माणूस ठेवून घेतला होता त्याचं माहिती बाबा नाव सालदार म्हणून आता जे राहत होता मुस्लिम समाजाचा होता पहिले जे सालदार होता ते हिंदू समाजाचा होता। गुंडांनी त्या जागेवर दांडगरीने अतिक्रमण करून ताबा काही लोक मालेगाव तुम्ही ऐकताय ना आता काही लोक मालेगाव किंवा कुठेतरी कब्रस्तानची जागेवर कब्जा करून टाकतात समजा ते दुसरा एक माणूस बोल त्याची रेडिओ मालेगावात होता हिंदू समाजाचा काय नाव त्याचा नाणेवटी त्यांची जागेवर कब्जा घेतलेला आहे अशीच ही जागेवर कब्जा करून घेतला होता बरं का अशी घन प्रकार आहे। कुठे मोहन बाबा नगरच्या बाजूला नदी पात्रातली जोडी प्रायव्हेट मालकाची जागा आहे सीधे साधे लोकांची ती जागावर गुंड किसान तिरप ते अतिक्रमण करत आहे आणि तिथे आपला कब्जा करून घेतात तिसरे आपला वैसा अरे धंदा पाणी करतात तिकडे। अच्छा यानी ये जो जगह है 153-157 याच्यावर काही गुंडांनी अतिक्रमण केलं याच्या विरोधात जगताप उच्च न्यायालयात गेले होते निर्माण न्यायालयाने त्यांना स्थानिक न्यायालयात थोडा चर्चामध्ये बरच चर्चा झाली आणि कोर्टाने इकडे ऑर्डर दिला होता माननीय उच्च न्यायालयाने आणि लोअर कोर्ट मध्ये त्याची चर्चा झाली समोरच्या माणसाला नोटीस दिल्या त्यांनी त्याचा वकील उभा राहिला म्हणजे आहे जे सत्य होतं ते सत्य झाला मग आज संरक्षण दिलं पोलीस डिपार्टमेंट ते काढून टाकलं सर सर्वे नंबर 106-106।
मुर्शीनगर जो जूना डेपो था उस मेन रोड पे तो अभी कांग्रेस पार्टी का जलसा रहेगा, क्योंकि आगे उसके 10 दिन के बाद रमजान लग जाएगा, फिर उधर ही बात तक कोई प्रोग्राम देखते नहीं आएगा राज्य, तो हमारे 10 मार्चों को वहां पे धुमक रहेगा, हमारी वहां सब रहेगी। बहुत कुछ बोले मना अभी तो मैं सुना है बुड्ढा शेर है बोलते हो, बुड्ढा शेर है बोले मना मिला है ना, मतलब ये मेंबर को वो मेंबर बोला लो मैं बैठ के वाला इधर किसको बैठने से होता है कि कुछ पब्लिक है सब जानती है कौन कितने पानी में कौन की कौन एक नंबर में और कौन दो नंबर में और कौन कब्जा करता है कौन किसका क्या रूप लेता है, कोई मंगने गया तो कौन गाली देता है, होता अनिल भाई यानी ये अजीत पवार जी होते अध्यक्ष भाव इनके जेव्हा आता समजा तुमचे बरोबर माझं सौदा झाला ते हेमंत दत्ता बरोबर त्यांच्या कुठे बरोबर त्यांचा दोघांचा सौदा झाला बोलीच होती त्यांच्या जे इशार वगैरे करतात ते पण झाला, त्यांचा एग्रीमेंट झाला बरोबर, एग्रीमेंट झाल्यानंतर आता त्यांनी जागा घेतली सफाई करायला गेले, त्याच्या आधीच समोरच्या लोकांनी कब्ज करून टाकलं होते मोठे मोठे 2-3 शेत बांधून टाकलं होतं, आता ते बोलीच चालली आता ते आला ना तोच पण करा तुम्ही माझ्या तोंडाने तुम्ही ऐकणार होते तूच म्हणून टाकलं ना मी बंद बोलतोय एक जागा आमचे कुटुंबाचे नाव जर असेल आमचा जर कब्जा असाल सांगा सिद्ध करा त्याला, आणि कधीच असं केलेलं नाही करणार पण नाही, आपण बोलतो ना इमानदारी जर आपण कोणतेही धंदा केला आपल्याला 2 पैसे भेटतो, अल्लाह भगवान पैसे देतो आहे का कुठे आमचा कर्ज आहे रे बाबा, जर जे आमच्यावर आरोप करतात मी तो डायरेक्ट आरोप म्हणजे सिद्ध केलं हायकोर्टात सिद्ध झाला ते इकडची नकार आणून देऊ का लोअर कोर्टाची, तिकडे आता ते आपलं जे व्हिडिओ चालू आहे काय रे बाबा ते नाव लक्षात येत नाही त्याचं नाव नानावटी तो ओपन आहे ना ते कोणाचं नाव सांगतं कुंडम बोलतो त्यांनी पण नाव सांगितलं, आणि तुम्हाला मी महासभेमध्ये होते तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे कोण आरोडे मारत होता कोण आवाजाने बोलत होता, कब्रस्तानची जागा खरेदी करा आम्ही त्याच्या ठराव केला की बाबा जर त्याच्यामध्ये जमीन जे मोठं मालक जी आहे त्याचं काही अतिक्रमण असेल जर कोणी जमीन जमिनीवर अतिक्रमण केलं असेल ते जागा रिक्त करून जमीन मालकाला पैसे द्या ती जागा खरेदी करा,